नमस्कार दोस्तों, धुरिया जी टेक में आपका स्वागत है। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपके किसी भी इक्विपमेंट में, जैसा कि फ्रिज हुआ, एसी हुआ, आयरन हुआ या मिक्सर हुआ, किसी भी चीज़ में आपको शॉक क्यों लगता है, करंट क्यों मारता है उसमें। सो करंट क्यों मारता है उसका हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि क्या करेंगे आप तो उसका समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए हमको चलते हैं हम बोर्ड के पास, और हमारे पास एक एम्पियर मीटर या क्लैम मीटर जो भी आप कह लें, सो उसके मदद से हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, जिससे आपका फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या कुछ भी जो भी आपके पास यूज़ करते हैं उसमें करंट नहीं आएगा और आपका 100% हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से शॉक से बच सकते हैं, और चलिए फिर देखते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारे पास एक टेस्टर, अभी हम ऑन करते हैं और हमारे फ्रिज या एसी वॉशिंग मशीन जिसमें भी करंट आता है, तो हमारा जो करंट आता है एक ही पॉइंट में बताता है, दूसरे में नहीं बताता। अभी हमारे पास तीन वायर आए रहते हैं, तीन में से एक सप्लाई होता है फेस, जिसको बोलते हैं फेस, न्यूट्रल और ये अर्थिंग। अर्थिंग जो होता है सबसे मोटा वाला, ऊपर वाला अर्थिंग होता है। उसके बाद ये फेस में जिसमें टेस्टर आपका जलता है, उसके बाद ये होता है न्यूट्रल। सो फेस और न्यूट्रल चेक करने के लिए हम हमारे क्लैंप मीटर को सेट करेंगे। ये देखिए 600 वोल्ट, एसी का सिंबल इधर दिया है, डीसी का सिंबल इधर दिया है, ये एसी और डीसी है। तो हमारा ये जो सप्लाई आता है एसी सप्लाई रहता है, इसको हम सेट करेंगे 600 वोल्ट एसी पे, और फिर अभी लगा के देखते हैं। टू थर्टी सिक्स वोल्ट सप्लाई आ रहा है, 32, 36, 37। सो आप देख सकते हैं इतना सप्लाई हमारा आ रहा है अभी इधर। सो अभी अर्थिंग हम करंट शॉक क्यों लगता है, क्योंकि हमारा ये जो अर्थिंग है ना, ये बराबर कनेक्ट नहीं होता है। जब डिवाइस में कनेक्ट नहीं होगा आपके, तो हमको शॉक लगता है। सो आपका अर्थिंग प्रॉपर रहेगा तो शॉक नहीं लगेगा। अभी अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारा सप्लाई यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रल, मालूम नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रल इसमें बताएगा नहीं, अर्थिंग भी नहीं बताएगा, आपका एक ही चीज़ बताएगा जो है फेस। तो हम अभी इसको चेक कैसे करेंगे, हमारा अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, न्यूट्रल प्रॉपर है कि नहीं है। सो हम चेक करेंगे, अगर हमारा अर्थिंग प्रॉपर रहेगा तो हमको अर्थिंग और सप्लाई का भी सेम आने वाला है। ये देखिए, और सप्लाई भी सेम आने वाला है, और न्यूट्रल और अर्थिंग का जो हमारा ये रहता है, चार तक बताता है इसका वोल्ट हमारा, ये देख सकते हैं आप, फेज और न्यूट्रल का सप्लाई बता रहा है, अर्थिंग और फेस का भी सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। करंट क्यों मारता है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सो करंट इसलिए मारता है कि हमारा अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं होता है तो करंट मारता है। अभी किन चीज़ों में करंट मारता है, तो जिनका मेटल बॉडी होता है उसमें करंट मारता है। तो करंट हमारा ये जैसे ब्लोअर हो गया, ये है प्लास्टिक बॉडी, तो इसमें करंट नहीं मारेगा हमको। सो इसमें वायर भी ये लगाया है, ये सही है, लेकिन जिसका मेटल बॉडी होता है उसमें आपको थ्री कोर वायर डालना पड़ता है। थ्री कोर में एक आपका फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया और अर्थिंग हो गया। अर्थिंग भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, फेस न्यूट्रल रहेगा तो चलेगा, अर्थिंग भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो मेन बोर्ड से आता है वहाँ से अर्थिंग आपका प्रॉपर रहेगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। अगर आपको फिर भी करंट लग रहा है तो आप एक बार उसका अर्थिंग वाला वायर चेक कर लेगी, वो सही है कि नहीं है, मतलब आपके फ्रिज से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, एसी से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। इक्विपमेंट को भी आप चेक कर रहे हैं, वो अगर मेटल बॉडी है
तो आपको करंट शॉक लग सकता है। अगर वो प्लास्टिक बॉडी है तो जहाँ तक होता है कि नहीं लगता, अगर उस पर पानी लगा है, पानी नहीं कुछ लगा है या फिर कोई मॉइस्चर वाले जगह में है तो आपको फिर शॉक लग जाएगा। अभी शॉक से बचने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियंस लोगों को सेफ्टी शूज पहनना पड़ता है या पैर में कुछ चप्पल विप्पल पहने रहेंगे तो शॉक नहीं लगता है, लेकिन अगर आपका बॉडी नीचे टच है तो आपको शॉक अच्छा खासा शॉक लगता है। सो ये जो ब्लोअर है इसमें दो वायर है, इसमें शॉक तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये मेटल का होता तो शॉक लग सकता था, इसमें शॉक इसमें भी लग जाता। तो उसके लिए क्या करते, ये थ्री कोर वायर लेते। तो दोस्तों आप इस टाइप का प्लग ले सकते हैं, इसमें छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। ये जो है हमारा ये 16 एम्पियर का है, 16 एम्पियर 240 वोल्ट। इसमें का ही छोटा आता है जो हम छोटे वाले इक्विपमेंट को जैसे फ्रिज वॉशिंग मशीन को लगा सकते हैं। वो जो होता है वो 5 एम्पियर 6 एम्पियर का होता है 240 वोल्ट का, इधर लिखा रहता है। सो छोटे वालों के लिए जैसे आपका आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, मिक्सर में भी कभी कभी शॉक लगता है, तो उसके लिए हम छोटा वाला प्लग लगा सकते हैं। सो इस टाइप का प्लग लगता है, अभी ये तो इसमें नहीं लगेगा। दोस्तों इस टाइप का कनेक्टर है, क्योंकि ये जो 16 एम्पियर का है ये इसमें 5 एम्पियर का जो ये सॉकेट है ये 5 एम्पियर का है, ये प्लग है ये 16 एम्पियर का, तो 16 एम्पियर का प्लग इसमें नहीं लगता है, इसके लिए मैंने इस सॉकेट का जुगाड़ किया है, बस आपको बताने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, अभी शॉक नहीं लगेगा। थ्री कोर वायर लगता है इसमें, इसमें थ्री कोर वायर लगता है। सो प्लग खोल के मैं आपको बता देता हूँ, प्लग को यहाँ से खोलना है इजीली। तो दोस्तों प्लग खोलने के बाद आपको मैं बता देता हूँ एक बार किस तरह से वायरिंग करना है। सो आप अपने घर का खुद भी वायरिंग का ये कर सकते हैं। अगर आपको शॉक लग रहा है तो जो आपका वायर लेंगे थ्री कोर वायर, तो आप जो थ्री कोर वायर लेंगे उसमें तीन कलर आएगा, तीन कलर में आपका रेड ब्लैक ग्रीन या ब्लू ब्लैक ग्रीन या ब्लू रेड और ग्रीन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है L और N, L मतलब लाइन, N मतलब न्यूट्रल, और यहाँ पे दिया रहता है एक सिंबल, ये सिंबल जो है ये अर्थिंग का सिंबल होता है। सो प्लग के ऊपर से ही आप देख सकते हैं, लाइन वाले में रेड लगाना है और ब्लैक वाला न्यूट्रल में डालना है, और ग्रीन वायर रहता है वो आपका ये बड़े वाले जाड़े वाले में डालना है, मोटा वाला जो है इसमें डालना रहता है। सो यहाँ से आप खोल के, अभी इसमें लाइन L हो गया और इसमें न्यूट्रल हो गया और इसमें अर्थिंग हो गया, अर्थिंग का सिंबल ई से दिखाते हैं। तो अर्थिंग वाले में हमेशा ग्रीन वायर डालते हैं, ग्रीन वायर डालने से क्या रहता है वो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि चलो ग्रीन वाला वायर अर्थिंग का ही है। तो यहाँ से अगर आपने अर्थिंग का कर दिया तो आप डिवाइस में जाके आपका जो भी डिवाइस है, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ या आयरन हुआ, जिसमें भी हुआ उसमें जाके आप सीधा उसको बॉडी से टच कर दीजिए। अभी बॉडी से टच कैसा है तो मैं आपको फ्रिज में दिखा देता हूँ किस तरह से उसको टच करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ अर्थिंग ना मारने के लिए, ये अर्थिंग ना लगने के लिए, ये देखिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वायर मैंने आपको बताया अर्थिंग का, ये ग्रीन वायर देखिए इसके बॉडी से कनेक्ट है कंप्रेसर के। सो कंप्रेसर में भी अभी शॉक नहीं लगेगा। और दूसरा वायर देखिए ग्रीन का ही जो है, ये ग्रीन का मेन वायर यहाँ पे लाके लगा दिया है, कंप्रेसर से ही एक वायर उठा के देखिए बॉडी में भी लगा दिया है। इधर देखिए बॉडी में भी एक वायर यहाँ पे टाइट कर दिया है और एक वायर यहाँ से कंप्रेसर में लगा दिया है, क्योंकि कंप्रेसर में बूस्ट लगा रहता है इसलिए कंप्रेसर बॉडी से अलग रहता है। सो इस तरह से अगर आपको लगे कि जहाँ जहाँ भी आपका सिस्टम अलग हुआ है वहाँ वहाँ पे आप ग्रीन वायर से उसको कनेक्ट कर दीजिए तो आपका अर्थिंग नहीं, अपना शॉक नहीं लगेगा। अभी ये देखिए इसमें तीन वायर आया हुआ है, तीन कोड वायर है, जिसमें एक रेड हो गया, एक ब्लैक हो गया और एक ग्रीन है। सो ग्रीन वायर हमेशा अर्थिंग में लगाते हैं,
और ये जो रेड वाला है इसमें सप्लाई आता है। ये जो ब्लैक वायर है इसमें न्यूट्रल रहता है, रेड वायर जो है इसमें अपना सप्लाई रहता है, अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर लगाते हैं। तो ये है हमारा कंप्रेसर। फ्रिज के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख भेजिए, मैं आपको फ्रिज के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक ये जो कंडेंसर, मैंने एक सवाल पूछा था कंडेंसर लोखंड का क्यों लगाते हैं, जो कंडेंसर है लोखंड का है। तो ये कंडेंसर लोखंड का क्यों लगाते हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो अलग से बना के, ये लोखंड का कंडेंसर इसमें क्यों लगा रहता है, क्या कारण है जिससे कंपनी वाले लोखंड का कंडेंसर डालते हैं, किस किस चीज़ का कंडेंसर इसमें लग सकता है वो भी बता दूंगा। दोस्तों ये मैं जो आपको बताया था ये हमारा 16 एम्पियर का था, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये है हमारा 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का एंकर का, और ये एंकर का 16 एम्पियर का है। तो ये जो लगता है ये एसी बड़ी है, जो लोडेड डिवाइस होता है जैसा एसी हो गया या आपका कुछ और बड़ा चीज़ हो गया जैसा गीजर हो गया, उस सब में ये वाला लगाते हैं। बाकी फ्रिज वॉशिंग मशीन के लिए भी छोटा एम्पियर लगता है तो उसके लिए सब, या मिक्सर के लिए भी ये छोटा वाला, ये देखिए मिक्सर को भी अर्थिंग दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा अगर लगा रहता है तो इसमें अर्थिंग रहता ही है। ये देखिए यहाँ पे 3 ये लगा हुआ है, तो देखिए लाइन हमेशा लेफ्ट में रहता है, अगर सामने करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, ऐसा करेंगे तो राइट में, हमेशा राइट में हमेशा ये लाइन रहता है, लेफ्ट साइड न्यूट्रल और ऊपर के साइड में अर्थिंग। तो इसमें भी अर्थिंग लगा हुआ है, लगा देंगे। और ये हमारा फ्रिज का जो है इसमें भी अर्थिंग लगा हुआ है। सो मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिख के बताइए। यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और कुछ कमेंट भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, भाई कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा 999 ही सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ चैनल पे। तो और भी आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, रेफ्रिजरेशन संबंधित या फिर एसी अपना वायरिंग संबंधित या इलेक्ट्रिक संबंधित, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप लिख के भेजिए, मैं उस वीडियो बना के भेजूँगा। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वायरमेंट था कि कंट्रोलर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो कंट्रोलर अभी यार इतना महंगा मिल रहा है कि मैं उसको खरीद के वीडियो नहीं बना सकता। सो अगर मुझे वैसा कंट्रोलर मिलता है या कोई ये मिलता है तो मैं ज़रूर उस वीडियो बना के डालूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए यार, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ यार, प्लीज़ बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। देखो रात को अभी 12 बज रहे हैं, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो काम इतना ज़्यादा रहता है कि वीडियो शूटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, और ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, आपको नॉलेज देते रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।